वेज कुकिंग विद अनु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल चौमिन। तो चौमिन बनाने के लिए हमें लेना होगा सबसे पहले नूडल्स। तो यहाँ पे करीब मैंने 150 ग्राम नूडल्स लिया है। तो गैस पे हम किसी बड़े बर्तन में रखेंगे 1.5 से 2 लीटर पानी उबलने के लिए। तो पानी में सबसे पहले हमें डाल देना है नमक। तो यहाँ पे मैं आधे चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें। जब हल्का हल्का पानी में उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे नूडल्स। तो यहीं पे अब हम इसमें डाल लेंगे ये नूडल्स। तो नूडल्स को हमें तोड़ना नहीं है, मैं तो नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तोड़ना तो सिर्फ 2 टुकड़े उसके करें। ज्यादा टुकड़े करेंगे तो फिर नूडल्स देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी ये जैसे जैसे थोड़े से सॉफ्ट होंगे ये पूरा पानी में डूब जाएगा। तो ये देखिए सारे नूडल्स जो है पानी में डूब गए हैं, हमें तोड़ना भी नहीं पड़ा इन्हें। तो अभी इन्हें हम बॉईल होने देते हैं 5 से 6 मिनट तक, उसके बाद इसे चेक करेंगे। नूडल्स को हमें 90% ही कुक करना है, बाकी का 10% वो कढ़ाई में पक जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं इसको। तो ये हाथों से दबाने से जो है मैश हो रहा है, मतलब ये पूरी तरह से रेडी है। हमें फ्लेम को बंद करना है और इसे छान लेना है। यहाँ पे ये देखिए नूडल्स को मैंने पानी में से निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा और पानी, ठंडा पानी डाल के इसका टेम्परेचर मैंने लो कर लिया है ताकि जो है नूडल्स और ज्यादा पक न जाए। तो यहीं पे हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल। तेल इसलिए डालेंगे ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके नहीं, और थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो नूडल्स को हम एक थाली में निकाल के इस तरह से फैला लेंगे और इसे हम फैन के नीचे रख देंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो पानी बिल्कुल सूख जाए। तो नूडल्स बनाने के लिए हमें वेजिटेबल में क्या क्या चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज प्याज जिसको इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, और 5-6 लहसुन जिसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 1 हरी मिर्च। बाकी और क्या लिया है, तो यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। चौमिन में सब्जियों को हम लंबे लंबे ही काटते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 गाजर, इसको भी इसी तरह से काट लिया है लंबा लंबा, और थोड़ा सा पत्ता गोभी। यहाँ पे अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे और भी बढ़िया टेस्ट आता है चौमिन में। तो चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं सॉसेस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच टोमेटो केचप, और 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम विनेगर, और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, और सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सॉसेस को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा तीखा चटपटा खाना चाहते हैं तो चिली सॉस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अगर आपको मिठास पसंद है तो टोमेटो केचप थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि चौमिन की जब सबसे मेन चीज ये सॉसेस ही है, इनके वजह से ही चौमिन बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए सारी चीजें रेडी हैं, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में हम डाल लेते हैं 2 चम्मच के करीब तेल। तो तेल को गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। चौमिन बनाने के लिए हमें सारी चीजों का प्रिपरेशन में जो टाइम जाता है वही ज्यादा टाइम लगता है, बल्कि इसे बनाने में उतना टाइम नहीं जाता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं ये। तो हल्का सा सारी चीजों को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक मिनट तक ही हम प्याज को भूनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, उसके बाद हम बाकी की सब्जियां इसमें डालेंगे। तो यहीं पे अब हम डाल देंगे इसमें गाजर और पत्ता गोभी। एक मिनट तक इसे हम भून लेते हैं। मोस्टली जो भी चाइनीज रेसिपी होती है उसमें हम वेजिटेबल को पूरी तरह से कुक नहीं करते हैं, मतलब पूरी तरह से उन्हें सॉफ्ट नहीं करते हैं, हल्की हल्की सी वो क्रंची रहती हैं, तभी खाने में अच्छी लगती हैं। तो यहीं पे अब हम डाल देंगे शिमला मिर्च। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई रख के इसे भून लेना है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे।
तो सब्जियों को जितना भूनना चाहिए हमने भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये सॉसेस। और अच्छे से सब्जियों में इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे नमक। ध्यान रहे कि हमने पहले नूडल्स को बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था, तो नमक फिर हमें उसी हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधे छोटे चम्मच नमक। मिक्स कर लेते हैं। और अब यहीं पे हमें इसमें डाल देनी है नूडल्स। तो ये देखिए नूडल्स बिल्कुल अलग अलग है, थोड़ा भी स्टिकी नहीं है। यहीं पे हम इसमें ऐड कर लेंगे काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है नूडल्स में। वापस अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। तो बस इसे अब हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, बस ये नूडल्स में सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इतना तक ही इसे हमें पकाना था। तो नूडल्स बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऊपर से डाल देंगे ये प्याज, पत्ता गोभी। वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें वेजिटेबल का थोड़ा सा और क्रंची टेस्ट आए। मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।